विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सर्वजनन का प्रणाम करी थे। अपना पंचन को बताया दी कि सिगरौली में सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिकता भड़कावे वाले युवक का पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अपना पंचन को बताया दी कि एक युवक के द्वारा लगातार सोशल मीडिया में कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाए के शेयर किए जा रहे हैं, जोने का सिगरौली पुलिस के द्वारा सतत निगरानी की जा रही, जोने का आज वह युवक का आरोप युवक का गिरफ्तार कर लिया गया है। अपना पंचन को बताया दी कि यह वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे देश में और पूरे विश्व में जो में हालात हैं वह मेमा शासन और प्रशासन सरकार के द्वारा समय समय में नए नियमावली जारी किए जा रहा है, जो में एक नियमावली यह है कि सोशल मीडिया के गलत उपयोग न करें, न फेक न्यूज़ शेयर करें, न कोनो में कि यह में भड़काऊ बयानबाजी या मैसेज शेयर करें, किंतु यह में लोग जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं किंतु उनके द्वारा जब जिम्मेदारी के निर्वहन नहीं किए जाए तब यह में कार्यवाही जाया छू जाते, जो ने कहा कि पुलिस के द्वारा एक बड़ा कदम उठावेगा और उक्त व्यक्ति का गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद। और देखी युवक कौ में वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर रहा। अगर हर मर्जों से बचना है, जैसे कोरोना हो गया, अफवाह के मर्ज, अगर इनसे सबसे बचना है आपको नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़िए, कोई मर्ज नहीं धरेगा। अल्लाह ताला की आप पर रहमत रहेगी, उनकी रहमो करम से आप से बचे रहेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको मर्ज से बनना है तो नमाज पढ़िए, जागो, सोए हुए इंसानों जागो, और लौट कर एक दिन अल्लाह ही के पास आपको सबको जाना है। तो फिर ये क्या है, किस चीज में गुम हुए हो तुम? पढ़ लीजिए। किसी के कहने पर अपने रसूल की बात मत छोड़ देना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बात मत छोड़ना, उनसे बेवफाई मत करना। आपको जुमे का नमाज पढ़ना है और हर मुसलमान भाइयों के पास इसको शेयर करिए, को हर जुमे की नमाज पढ़े। हाँ, मोदी जी ने जो कर्फ्यू लागू किया है उसको पालन कीजिए, लेकिन जुमे की नमाज छोड़कर पालन मत करना। अपने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपने नबी से गद्दारी मत करना। जो नमाज पढ़ता है उस नमाज की मर्तबा उससे पूछो, नमाज की मर्तबा क्या है? जो ईमान पर हो उससे पूछिए। हो नरेंद्र मोदी भैया, अगर कोरोना से बचाना है तो सभी मर्द और औरतों को बुर्खा पहराइए, पर्दे में कीजिए, कोरोना से बचना हो तो। कोरोना विदेश से कौन लाया है? कोरोना विदेश से लाने वाला यही नेता लोग हैं। नेता लोग मेरे भारत को बर्बाद कर दिए हैं कोरोना से। हम लोगों को खाने में मुश्ताक कर दिए हैं, घूमने में मुश्ताक कर दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहु बरकातहू। मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज मुसलमानों, परसों जुमा है। तुम मोदी जी ने जो कर्फ्यू लगाया है उस कर्फ्यू का पालन कीजिए, घर से बाहर निकलिए या ना निकलिए, लेकिन जुमे के दिन आप सबको ज़रूर निकलना है, मस्जिद में अपनी नमाज अदा जरूर करना है। अगर जुमे की आप नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे, जमात से नहीं पढ़ेंगे, आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। किसी के बहकावे में मत जाना, आपको जुमे का नमाज पढ़ना है, मस्जिद में पढ़ना है, और कर्फ्यू का पालन भी करना है। तो लाइक ही।